तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट को आप लॉगआउट कैसे कर सकते हैं। आपको लॉगआउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो बहुत आसानी से आप इस वीडियो को अगर ध्यान से पूरा देखिएगा तो आप भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगआउट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है जिससे कि आपको बहुत कम समय के अंदर में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगआउट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी तक नए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे देखने के लिए बने रहिए वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे आप रील्स देखते होंगे, ये रील्स जो रील्स चल रहा है स्क्रीन पे, इसके बगल में एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल का, ठीक है। ये मेरा प्राइवेट प्रोफाइल है और इसको मैं अभी फिलहाल लॉगआउट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लॉगआउट करने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे चले आइएगा, आने के बाद आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे पूरे स्क्रीन पे ये जो स्क्रीन दिख रहा है इस पे पूरे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे रेड कलर का वन दिख रहा है मेरे पास, ये थ्री लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है मेटा वेरीफाइड जो भी है न्यू आया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है सेटिंग प्राइवेसी, शेड्यूल्ड कंटेंट, योर एक्टिविटी जो भी है इसमें कहीं ध्यान नहीं देना है। एक ऐसा जगह है जहाँ की आप एक इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है जिससे कि आपको आसानी से यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं तो आपके सेटिंग एंड प्राइवेसी यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे नीचे चले जाना है, सबसे नीचे चलाइएगा। यहाँ पे सबसे नीचे जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉग आउट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं लॉगआउट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक करूंगा तो अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिला है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, सेव योर लॉगिन इन्फो, या फिर सेव कर सकते हैं या फिर नॉट नाउ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए इस बात को, अगर आप सेव करते हैं तो ये आपके जो अकाउंट है यूजर आईडी कोई भी डाल के इस मोबाइल से जिस मोबाइल में आप लॉगआउट कर रहे हैं वहाँ पे आसानी से फिर भी बाद में उसका पासवर्ड सेव रहेगा जिससे कि वो बाद में भी लॉगआउट लॉगिन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे सेव कीजिएगा तो आपका अकाउंट इसमें वापस से लॉगिन हो जाएगा, अगर नॉट नाउ कर देते हैं तो आपका पासवर्ड यहाँ सेव नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे कर देते हैं, आपको जो ऑप्शन चुनना रहे चुन लीजिएगा, सेव करिएगा तो आपका पासवर्ड यहाँ सेव हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो नॉट नाउ पे कीजिएगा तो सेव नहीं होगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ, मेरा पासवर्ड यहाँ पे सेव हो गया मोबाइल के अंदर में और यहाँ पे लॉग आउट हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको मोबाइल यहाँ पे मेरा अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल लॉग आउट हो गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम में कोई अकाउंट नहीं है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे इसको लॉगिन करना चाहें तो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका भी अकाउंट कुछ इसी प्रकार से लॉग आउट हो जाएगा। तो अगर आपको लॉग आउट हो गया है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप शेयर कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।